गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, ये हमारी इक्वेशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे जो ए डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई प्लस सी डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी डी यू बाई डी एक्स प्लस ई डी यू बाई डी वाई इक्वल टू एफ टाइम्स यू, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है इसमें हमें बेसिकली ए बी और सी इसको हमें पहचानना है। ये जो हमारा ए है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो यू फंक्शन है हमारा उसको एक्स के टर्म में दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जो एक्स स्क्वायर आएगा वो जो है हमारा ये कांस्टेंट जो है हमारा उसके साथ ए है। बी किसके साथ में है, डी एक्स डी वाई, जहाँ पे भी पहले डिफरेंशिएशन वाई का करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर इस टाइप का आता है तो वो उसके साथ में जो उसका कोफिशियंट होगा वो हमारा बी होगा, और ये जो फंक्शन यू है उसको वाई के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करें, या फिर टी के रेस्पेक्ट में, या फिर जेड के रेस्पेक्ट में, कुछ अलग एक्स से, एक्स को छोड़ के उसके अलावा वाई या फिर टी या जेड स्क्वायर करें, उस टाइप में डिफरेंशिएशन करें, तो उसके साथ जो उसका कोफिशियंट होगा वो हमारा सी होगा। तो बेसिकली हमें ए बी सी की वैल्यू ही हमें पता होनी चाहिए। इससे क्या है कि हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस चेक करते हैं, उस कंडीशंस से चेक करके हम बताएंगे कि वो इक्वेशन जो है पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोलिक है, वो सारी इक्वेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर पहली कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ज़ीरो आता है तो वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोला होगा अगर इक्वल ज़ीरो है। अगर वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो है देन वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स होगी। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ हाइपरबोलिक। ये हमें कंडीशन याद रखनी है, इक्वल पे पैराबोला है, लेस देन एलिप्स के लिए है, ग्रेटर देन हाइपरबोलिक के लिए है। अब क्या है कि अब यहाँ पे हमने चेक करने के लिए यहाँ पे वन डायमेंशन वेव इक्वेशन लिखी है और वन डायमेंशन हीट इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें लिखी है। वहाँ पे ये क्वेश्चंस में दिया होगा कि ऐसी इक्वेशन एक दे देगा, उसको बोलेगा कि आप बताइए इसको चेक करके कि ये पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोलिक है ये इक्वेशन। तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे हम देखते हैं। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आएंगे, माइनस डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो ये ए है बेसिकली। ए की वैल्यू मतलब क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है। उसके बाद बी हमें फाइंड करना है, तो बी हमें डी एक्स डी वाई है, बट डी एक्स डी वाई यहाँ पे कोई ऐसा जो है कि ये डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं है, तो मतलब क्या है कि बी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। सी की वैल्यू हम चेक करते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पे वाई स्क्वायर, ओके, दो बार डिफरेंशिएशन है, वाई स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर मैंने बोला था। तो यहाँ पे क्या है, यू जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया गया है टी के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर का टर्म है, मतलब ये क्या है, सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और वन साथ में है इसका कोफिशियंट, तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है। तो अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हम चेक करेंगे कितना आता है, बी की वैल्यू है ज़ीरो माइनस फोर, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, सी की वैल्यू है माइनस वन, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू आएगी जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से ग्रेटर है, फोर ए स्क्वायर है, ग्रेटर का मतलब क्या है, हाइपरबोलिक है। ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन जो है हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक, ओके, क्योंकि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसलिए। अब यहाँ पे वन डायमेंशन हीट इक्वेशन है, वन डायमेंशन हीट इक्वेशन को हम भी चेक करेंगे यहाँ पे। तो
तो इसको सबसे पहले इस तरफ लेके आएंगे, ए स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू यू अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब कि ए की वैल्यू हो तो हमें ए स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद बी की वैल्यू देखना है, बी के वैल्यू के लिए क्या करना है, जहाँ पे दो जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन y और x का, पहले y का डिफरेंशिएशन उसके बाद उसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस टाइप का अगर होगा तो वहाँ पे b की वैल्यू मिलेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो b की वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद c की वैल्यू हमें देखनी है, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू के लिए हमें वाई स्क्वायर या टी स्क्वायर का यहाँ टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का ऐसा कोई टर्म है नहीं, तो c की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। बेसिकली ये डी यू बाई डी टी या डी यू बाई डी एक्स, ये हमारी d की वैल्यू मिलती है यहाँ से। d की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें a b c की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ से चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर b की वैल्यू ज़ीरो है, माइनस फोर a की वैल्यू a स्क्वायर है, c की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही, टोटल ज़ीरो, यहाँ से टोटल वैल्यू ज़ीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, हमारी पैराबोला है, पैराबोला। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस में हमेशा दिया होगा, अगर वन डायमेंशन हीट इक्वेशन नहीं भी बोला होगा तो वो बेसिकली एक इक्वेशंस देगा इस टाइप की, या इस टाइप की कोई भी एक इक्वेशन देगा, या फिर कुछ और इक्वेशन देगा। ओके, वैसे याद रखना कि ये वन डायमेंशन वेव इक्वेशन होती है। कभी अगर किसी क्वेश्चंस में पूछ देता है कि वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, अगर चार ऑप्शन में सर्च करना होगा कि कौन सी वेव इक्वेशन होगी वन डायमेंशन की, तो ये ध्यान रखना है कि ये वन डायमेंशन की वेव इक्वेशन है और ये हमारी वन डायमेंशन की हीट इक्वेशन है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन हमारे पास होगी, उसके बाद हमें इससे कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, इससे कंपेयर करने के बाद उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू पुट करके हमें चेक करना है, इक्वल अगर आएगी उसमें तो पैराबोला, अगर लेस देन ज़ीरो आती है इसकी वैल्यू देन एलिप्स, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आती है देन हाइपरबोलिक है फंक्शन। ओके, ये चीज़ें हमें बस ध्यान रखनी है, और ये बस टॉपिक इतना ही है बेसिकली, ये पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोलिक जो कि इक्वेशन है उसको चेक करने के लिए होता है कि ये इक्वेशन पैराबोलिक है, एलिप्स है या हाइपरबोलिक है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।